आज हम आपके साथ एक रिपोर्ट के ऊपर, एक फाइल के ऊपर वर्क करने जा रहे हैं। आप लोग देखिए उसको। बेसिकली ये कंपनी है जो कि इसकी एलिवेटर और बाइक वगैरह की और सब कुछ चैन जो होती है वो चैन बनाती है। तो उन्होंने बोला मुझे एक, अब उनका कोई काम ऑटोमेट करना है, उसके रिलेटेड उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा बना दीजिए ताकि हम इजिली कर सकें। तो जैसे कि आपके सामने हमने सीट्स में उसको क्या क्या चाहिए, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट, उनके जितने भी प्रोडक्ट होंगे उस उनका प्रोडक्ट का लिस्ट यहाँ पे दिखेगा, राइट। मतलब कि वो जितने भी प्रोडक्ट मंगाते हैं या बनाते हैं सबका लिस्ट यहाँ पे होगा, प्रोडक्ट लिस्ट। तो इसके लिए PID, जब भी कोई डेटाबेस बनाते हैं ध्यान रखिएगा एक ID जरूर क्लिक कीजिएगा, डेट, किस डेट को प्रोडक्ट बनाया गया, पहला नेम, उसकी साइज क्या है और स्टोर लोकेशन, मतलब कि वो कहाँ पे स्टोर किया जाएगा। और स्टोर लोकेशन क्या है, इस चीज को समझिए। क्या है कि जैसे कि स्टोर जो हमारा है, मान लीजिए एक कंपनी के अंदर एक वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस तो बहुत बड़ी होती है और बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे। अब किसी अननोन पर्सन को बोलूंगा कि भाई 25x7 वाला कोई एक प्रोडक्ट ले आओ, तो उसको तो पूरा स्टोर ढूंढना पड़ जाएगा ना कि कहाँ पर रखा हुआ है। इसलिए हम स्टोर की लोकेशन क्रिएट करते हैं, एक स्टोर की लोकेशन क्रिएट करते हैं कि स्टोर का लोकेशन कहाँ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, मैं स्टोर लोकेशन में यहाँ पे हमारा रूम, स्टोर के रूम नंबर्स, उस रूम के अंदर में जोन, उसका जोन के अंदर सेक्शन और उसके अंदर हम कर देते हैं रैक और ये हो गया साइड। रूम नंबर और यहाँ पे हो जाएगा स्टोर, STR, स्टोर लोकेशन ID, ठीक है सर। मतलब कि रूम, यहाँ पे एक ID क्रिएट करूंगा, यहाँ पे रूम नंबर, यहाँ पे रूम वन हो गया, रूम नंबर हो जाएगा वन, जोन हो जाएगा मान लीजिए नॉर्थ, सेक्शन हो जाएगा ए, रैक हो जाएगा वन और साइड हो जाएगा अप, ठीक है। इस तरह से इसका हुआ और यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे साइड देना जरूरी है, हो सकता है एक रैक में दो तीन चीजें रखी हो। ऐसा होता है क्योंकि बहुत प्रोडक्ट मटेरियल बहुत छोटा होता है, रैक हमारे काफी बड़े होते हैं, तो उसमें अगर हम मान लीजिए एक ही रखेंगे तो 200 रैक चाहिए, 200 प्रोडक्ट, 200 रैक चाहिए, तो एक रैक में हम बोलते हैं कि भाई लेफ्ट राइट या अप डाउन इस तरह से हम बना सकते हैं। हम लेफ्ट कर लेता हूँ, लेफ्ट। यहाँ पे लोकेशन क्रिएट होगा। अब लोकेशन क्रिएट में मैं चाहता हूँ कि इन सबको आपस में कंबाइन करना, इन सब को आपस में कंबाइन करना, कैसे करेंगे कंबाइन? तो हम यहां डैश देंगे, डैश के साथ आपस में कंबाइन करेंगे, एंड क्वेश्चन से हम एक दूसरे को कंबाइन कर सकते हैं या नया चीज सीखने का आपको मिल रहा है कि एंड क्वेश्चन से हम एक दूसरे को कंबाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर रिपोर्ट ऑटोमेट या कोई भी ऐसा वर्क को ऑटोमेट कर रहे हैं तो इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। देखिए ये हो गया रूम वन, नॉर्थ ए साइड वन नंबर रैक और रैक के लेफ्ट साइड। और यहाँ पे जैसे मैं स्टोर वन करूंगा, नंबर डालूंगा स्टोर लोकेशन वन, तो यहाँ पे अपने आप उठ के आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वी लुकअप लगा देंगे कि वी लुकअप
अब बी लुकअप क्या होता है, अभी फॉर्मूला मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो देखा नहीं है अभी तक, तो आगे की चीजें पढ़ाने से अच्छा है कि कुछ नया एक्स्ट्रा चीज आपको हम पढ़ा दें। अभी रिपोर्ट हम बना रहे थे तो हम सोचे आपके साथ ही डिस्कस कर रहे, हम इस रिपोर्ट का फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। बी लुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको दिया, ये हो गया हमारा 8, 0 एट नहीं होगा, 7 होगा, आ गया। तो डेटा ए क्या होगा, ए हाइड होगा, तो हाइड किसी भी रो को हाइड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हाइड कर देंगे। तो हाइड करने से क्या होगा कि पता नहीं चलेगा, लेकिन जब से नया स्टोर हमारा इंक्रीज होगा तो हम इसको यहाँ पे अनहाइड करके अपने स्टोर को यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। और डेटा एंट्री करते समय इसका ध्यान रखेंगे, और हम यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे, 1 डाल देंगे, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा कि हाँ एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का हमने लोकेशन फिट कर लिया। तो हम स्टोर में इन और आउट करते समय इसका ध्यान रखेंगे, इस पर और भी आगे होगी तो आगे क्लास में डिस्कशन करूंगा मैं। अब दूसरा हमारा आता है स्टोर। स्टोर मतलब कि हमारे पास कितना स्टोर है, मतलब कि हमारा रेडी प्रोडक्ट कितना स्टोर है। तो यहाँ पे एक स्टोर है, एक स्टॉक है, मतलब एक हमारा रॉ मटेरियल स्टॉक, एक हमारा जो मटेरियल बनता है वो हमारा स्टॉक कहलाता है, और एक जो मटेरियल के लिए जो हम परचेज करते हैं उसका स्टॉक कहलाता है। तो उसमें भी इन और आउट दोनों होते रहते हैं, मतलब कि वेयर हाउस टू फैक्ट्री और फैक्ट्री टू वेयर हाउस। तो एक फैक्ट्री से वेयर हाउस गया और फिर वापस दूसरे वेयर हाउस में आएगा, मतलब कि एक जो हमारा मटेरियल रेडी है वो हमारा स्टॉक में चला जाएगा, एक हमारा मटेरियल रेडी होने के लिए रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, स्टॉक इसमें फैक्ट्री में जाएगा बनने के लिए। तो इन और आउट दोनों आएगा। तो इसमें जैसे PID, हर प्रोडक्ट की ID है हमारा, डेट है, नेम है, साइज है, उसका स्टोरिंग लोकेशन है, और एंट्री टाइप मतलब कि आप इन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं। तो यह इसमें दो ही चीज एंट्री हो सकती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे इन और आउट दो डालना चाहता हूँ, अब दोनों के लिए मैं अलग अलग सीट नहीं किया, हम एक ही सीट रखा हुआ है, और इन आउट से हम उसको आपस में सेग्रीगेट करके पता लगा लेंगे कि हमारा स्टॉक कितना है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं कंडीशनल फॉर्म, कंडीशन मटेरियल माफ कीजिएगा, यहाँ डेटा वैलिडेशन होता है हमारे पास। डेटा वैलिडेशन में हम यहाँ लिस्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हम डाल देंगे इन कॉमा आउट। अभी क्या हो गया, इससे क्या हो गया कि सिर्फ इसमें इन और आउट ही आएगा। अगर मान लीजिए इसमें कुछ और एंट्री करेगा नहीं करेगा, इसमें सिर्फ इन और आउट ही आएगा, ओनली फॉर एंट्री इन है या एंट्री आउट है। स्टॉक भी निकलेगा, ये हम अभी आगे के फॉर्मूले क्लास में आपको समझा देंगे इसको। और सेम होता है स्टॉक में भी, हमें यही करना है इन और आउट। तो एंट्री टाइप में हम यहाँ आते हैं डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद लिस्ट में जाते हैं और यहाँ पे इन कॉमा आउट करते हैं, ये भी हमारा स्टॉक का इन और आउट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉई। अब जैसे कि हमारे फैक्ट्री में जितने भी वर्कर काम करते हैं उनके लिए एम्प्लॉई का यहाँ पे हम दिया हुआ है कि इसमें नेम, फादर नेम, करेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, फादर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी पर डे और अदर पे है, और टोटल पे क्या होगा। टोटल पे के लिए मैं इसको इन दोनों को सम कर देता हूँ आपस में, ताकि टोटल पे हमें यहाँ पे 0 दिख जाएगा यहाँ से। क्या ये कंपनी में कुछ वर्कर डेली बेसिस पे है, कुछ वर्कर मंथली बेसिस पे है, तो यहाँ पे हम डेली बेसिस ही डालते हैं, सैलरी पर डे के हिसाब ही डालेंगे। हो सकता है मंथली हिसाब हो तो मंथली हिसाब में हम उनको चेंज करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई खास नहीं है। बस ये है कि मोबाइल नंबर जो है उसमें 10 डिजिट से कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको दोनों को सिलेक्ट करके और यही डेटा वैलिडेशन में किया, और यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ में हमने कर दिया इक्वल टू 10। अब क्या हुआ कि इसमें 10 नंबर से ज़्यादा मोबाइल नंबर एंट्री ही नहीं होगा, और 10 से कम या ज़्यादा एंट्री कर नहीं करेगा। इससे क्या होगा,
कि हमारा टाइप करते समय नंबर हमारा सुरक्षित रहेगा कि हाँ 10 डिजिट से ज्यादा एंट्री ना हो रहा है। तीसरा फाइल हमारा अटेंडेंस का है। अब अटेंडेंस की तो फाइल हमने किया नहीं है, तो चलिए इसके अटेंडेंस का हम करते हैं ऑटोमेटेड फॉर्मेट में अटेंडेंस क्रिएट। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी जो हमारा एम्प्लॉय है इसी का आईडी आएगा। उसके बाद नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और यहाँ पे हम डेट डाल देंगे मंथ्स के लिए हिसाब से। और इसके बाद हम आगे का डेट है तो जनरली लोग आप इसको ड्रैग कर देते हैं, तो यहाँ पर हम ड्रैग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसमें +1 कर देंगे यहाँ पे आगे। अब इसको आगे के तरफ हम ड्रैग करेंगे तो डेट हमारा कंटिन्यूस बन जाएगा। अब कंटिन्यूस डेट बनने से फ़ायदा क्या है कि अगर मैं यहाँ चेंज करूँगा तो बाकी डेट अपने आप खुद बखुद चेंज हो जाएगा। ओके सर, 31 दिन का हमने यहाँ पर रख दिया। अब जैसे कि मैं यहाँ पर फरवरी करूँगा तो अपने आप फरवरी का डेट आ जाएगा। अब यहाँ पे सैटरडे संडे भी चाहिए तो टेक्स्ट फॉर्मूला में कस्टम फॉर्मेटिंग का आप ट्रिपल भी कर देंगे तो ये सैटरडे संडे आएगा। और इसको भी अब देखिए मुझे राइट करना है, फिल करना है तो कंट्रोल आर कर देता हूँ तो देखिए फिल हो जाता है। तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ कुछ लिखा हुआ है सेम चीज़ मुझे लेके आना है, तो जैसे कि यहाँ पर तो कंट्रोल डी करूँगा तो ये चीज़ नीचे की तरफ फिल हो जाएगा, कंट्रोल डी, और कंट्रोल आर करूँगा तो राइट की तरफ हो जाएगा। ये कहाँ का जो ऑप्शन है, ये होम मेनू बार में फिल में ए होता है, इसका ऑप्शन। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं यहाँ पे फरवरी का डेट डालूंगा तो आप देखेंगे कि ये फालतू में ही बना दे रहा है, तो मैं चाहता हूँ उतना ही डेट टाइम बने जितना हमारा महीने में दिन होते हैं, तो 28 तो कम से कम होते ही हैं। अब प्रॉब्लम है कि महीने में कितने दिन हुए कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास एक ईओ मंथ फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसमें किसी भी फॉर्मूले को सिलेक्ट करूंगा और कॉमा जीरो कर दूंगा तो उसी महीने का डेट दिखाएगा। अब बोले तो नंबर दिखा रहा है, तो नंबर डेट को नंबर फॉर्मेट दिखाता है, इसके ऊपर डेट का फॉर्मेट आप यहाँ से ऊपर से अप्लाई कर लें, या फिर आपका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट हैश, हैश की कंट्रोल शिफ्ट हैश, वो अप्लाई कर दे तो यहाँ पे हर महीने की लास्ट दिखा दे, और महीने के अंत में कोई सा भी डेट डाल लीजिए तो लास्ट दिखेगा, चाहे पहला डेट या बाद का डेट। तो यहाँ पे मैं एक इफ फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला क्या होता है कि कंडीशन होने पे दो चीज़ों को फॉलो करता है, कंडीशन हो तो एक चीज़ को नहीं तो दूसरे चीज़ को। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दिया है कि इफ ए जो हमारा लास्ट डेट है फ्राइडे, इसमें +1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन है ई ओ मंथ। अब ये फॉर्मूले वगैरह मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन क्या यहाँ जरूरत है इसलिए चीज़ बता रहा हूँ आपको। 0 ऐसा हो तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो इसमें +1 हो जाए, +1। एक मिनट, 16 का बड़ी कम हो गया, ओ सॉरी मैंने R5 कर दिया ना, यहाँ इसमें करना था 27 वाला, तो ये 29 आ गया। और आगे ड्रैग करने पे मुझे पता है कि एरर आएगा, तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन में इफ एरर, और मैंने बोल दिया कि तुम ब्लैंक, अब मुझे आगे तक ड्रैग कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि अब देखिए मैं यहाँ पे 1 जनवरी डाला तो आप देखिए जनवरी का आ गया पूरा, फिर मैं यहाँ पे अगर फरवरी डालूंगा तो फरवरी का आएगा, फिर मार्च डालूंगा तो मार्च तक का डेट आएगा 31। अगर मैंने अप्रैल डाल दिया तो यहाँ पे आपको अप्रैल का आएगा 30 अप्रैल, तो हर महीने के हिसाब से यहाँ पे डेट क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे करना है कि सैटरडे एंड संडे के लिए हाईलाइट करना है। मान लीजिए मेरे पास 10 रो है, 10 या 20 मैं कर देता हूँ यहाँ नीचे तक, इतना ही कर देता हूँ, मुझे हाईलाइट करना है इसमें, तो सैटरडे संडे को हाईलाइट करना है। जरूरत तो नहीं है फिर भी हम इसको यूज कर देते हैं। हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और का फॉर्मा ला देंगे, और क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन, एक रहता तो मुझे सिर्फ डायरेक्ट डाल देता, दो कंडीशन हैं,
तो मैं इनको सेलेक्ट करके बोला कि अगर एज सैटरडे है कॉमा, वापस इसको सेलेक्ट किया, बोला कि क्या एज संडे है, तो दो डाल दिया। अब इसमें डॉलर का साइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आगे से देखिए डॉलर का साइन मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, क्योंकि इसमें सैटरडे और संडे कोई एक ही हो सकता है। फिर इस पर अपना फॉर्मेटिंग जो चाहिए, जैसे हम येलो कलर डाल देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। फॉर्मेट प्रिंटर से अपने पूरे डेटा जहाँ तक हमारा अटेंडेंस बनेगा वहाँ तक मैं इसको डाल देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, तो जो सैटरडे संडे था वो हाईलाइट हो गया। अब मेरा काम ये है कि मुझे जो है इस पर बॉर्डर अप्लाई करना है। जी हाँ, इस पर मुझे क्या करना है, बॉर्डर अप्लाई करना। तो मैं यहाँ पे बिटवीन ये मोर रूल्स पे आया और इसी में आपका यहाँ इस पे क्लिक करता हूँ। बिटवीन में नॉट इक्वल टू, हमने बोला नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और फिर हम बॉर्डर में गए और अपना बॉर्डर दे दिया। इससे क्या हुआ कि इससे फायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, अभी दो मिनट दे दीजिए मुझको। गलती हो गई इसमें, हमें यहाँ पे कर्सर रखना है न्यू रूल्स में या फॉर्मूला देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक ऊपर का क्वार्टर नीचे करना है ना। हमने बोला ऊपर वाले को सिलेक्ट करके कि ए नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब कि यहाँ जो लास्ट में हमने इफ एरर में ब्लैंक दिया हुआ है ना, इसलिए ऐसा किया। फिर मैंने बोला कि बॉर्डर में, हमने बोला कि बॉर्डर लग जाए एंड ओके एंड ओके, और फिर हम फॉर्मेट प्रिंटर से इस बॉर्डर को पेंट कर देते हैं। इसमें देखिए कि जितना हमारा फॉर्मेट एक कलर था उतना ही फॉर्मेट हुआ है। इसकी जो डेट है इस पर राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट हेल्प में जाता हूँ और कस्टम में इसमें मात्र डीडी दो बार देता हूँ, और यहाँ मैंने मंथ मंथ का कॉलम दे दिया, और फिर यहाँ इस पे हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। और इस पे जो हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट देंगे वो मंथ और ईयर का देंगे, मतलब कि तीन बार एम एंड मैनुअल लगा देता हूँ। इसमें मैं यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर देता हूँ, तो इसके लिए हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगा देंगे, काउंट इफ, और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पे देते हैं जीरो आ जाएगा। और इसके अलावा और भी चाहिए, जैसे कि कंट्रोल ए चाहिए, चाहे वीक ऑफ चाहिए, तो वो चीजें दे सकते हैं, लेकिन मैं जिसके लिए फाइल बना रहा हूँ उनको पी ही काफी है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय में आते हैं कि टोटल पे, और यहाँ पे टोटल सैलरी, इसमें क्या होगा कि जस्ट हम कुछ नहीं करेंगे, वी लुकअप लगा देंगे एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग, और हम यहां से अटेंडेंस उठा लेंगे, अटेंडेंस यहां से हम उठा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इफ एरर देते हैं, इफ एरर कॉमा जीरो, इससे फायदा क्या होगा कि जैसे कि जितना दिन इसकी अटेंडेंस होगी, जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉय नंबर वन, और हम यहाँ अटेंडेंस में भी एम्प्लॉय नंबर वन कर देते हैं, और एम्प्लॉय नंबर वन जो है दो दिन आया है पी, दो दिन पी हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो यहाँ पे अटेंडेंस कैलकुलेट हो गया दो दिन का, और यहाँ एम्प्लॉय में दो दिन यहाँ आ गया। मान लीजिए उसकी सैलरी पर डे की 300 रुपये है, और एक्स्ट्रा पे हम उसको 20 रुपये देते हैं पर डे,
तो 320 हो गया, दो दिन टोटल पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि इसका टोटल पे हमारा 640 हुआ। इसे और भी आगे काम करेंगे, फिलहाल सिंपल हो गया, अटेंडेंस भी हमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे मशीन लिस्ट, मतलब कि किसका क्या मशीन है, वो यहाँ पे मशीन को नेम, किस डेट को परचेज हुआ, किस दिन, उसका नाम क्या है, उसकी टोटल प्राइस क्या है और उसकी एज क्या है। जैसे मान लीजिए कि मशीन नंबर वन, डेट मान लीजिए आज खदाया, तो इसका नाम मान लीजिए कि इसका है कटिंग का है, मान लीजिए मशीन का प्राइस पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मशीन को खरीदने हमें 50,000 रुपीज हमने खर्च किया और इसकी एवरेज एज मान लीजिए 3 साल है, 3 ईयर, तो इसका कॉस्ट पर डे, मतलब कि प्रोडक्ट बेसिकली क्या है कि हमें प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है। याद रखिए हमें क्या निकाला था, प्रोडक्शन कॉस्ट, की एक प्रोडक्ट बनाने में कितना कॉस्ट लगता है। तो इसलिए हमने मशीन का कॉस्ट निकालना जरूरी है कि अगर मशीन हमारा 50,000 रुपये का मशीन 3 साल चलता है तो पर डे उसकी कॉस्ट कितनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए करना पड़ेगा दैट इज डिवाइड बाई 365, तो 45 रुपीज पर डे मशीन का कॉस्ट हुआ। और इस मशीन को चला, मशीन अभी यहाँ पे कॉस्ट पर डे मशीन का हो गया, अब यहाँ पे मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट ईयरली भी आएगा यहाँ पे, लेकिन ये 1 साल प्रीवियस का होगा मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट मान लीजिए साल का, मेंटेनेंस कॉस्ट ईयरली होगा यहाँ पे। मान लीजिए कि इस मशीन को पिछले साल रखना मेंटेनेंस में 6,000 रुपये लगे थे टोटल खर्च हुआ था, तो यहाँ पे पर डे मेंटेनेंस क्या होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 365 से, टोटल कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट जो निकलेगा वो निकलेगा 5 रुपीज प्लस, तो 62 रुपये पर जो है मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा इस मशीन को चलाने का। मतलब कि प्रोडक्ट के ऊपर एक दिन का 62 रुपये हो रहा है, तो एक दिन में मान लीजिए 10,000 क्वांटिटी हुआ, तो 10,000 में क्वांटिटी में मेंटेनेंस कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इस मशीन को चलाने के लिए एक बंदे की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे आ गया हमारा प्रोसेस नेम, कि भाई प्रोसेस की आई, प्रोडक्ट की आई डी, नेम, साइज, किस साइज का प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या प्रोसेस है और उस प्रोसेस का कोड क्या है, प्रोसेस का नेम क्या है, टोटल प्रोसेस कितने, सॉरी यहाँ टोटल प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि एक चैन बनाने के लिए 3 जीरो की रिक्वायरमेंट होती है, 3 प्रोसेस से गुजरता है, कटिंग, हीटिंग, पॉलिशिंग, तो यहाँ पे आ गया, तो उसके लिए उसका कोड हो गया, नाम हो गया उसका, और यहाँ पे रिक्वायर्ड मेन कितने आदमी लगेंगे उसमें, और फिर प्रोडक्शन में क्या होगा ये सारा हमने दिया होगा। तो बेसिकली रॉ मटेरियल हमारा ये आ गया कि भाई रॉ मटेरियल की आईडी, साइज और उसकी कॉस्ट कितनी है, और वेस्ट मतलब कि जो रॉ मटेरियल से वेस्ट निकलता है, हर वेस्ट का अलग अलग कीमत होता है, तो वेस्ट कितना लगेगा। तो बेसिकली ये जो फाइल बनाने का पर्पस है, ये है कॉस्टिंग निकालने का। तो ये चीज समझाने का ये हुआ कि किसी कंपनी की कॉस्टिंग कैसे निकलती है, ये चीज मैं आपके सामने रखा हूँ, ये लाइव है, मैं इसको बनाना शुरू किया हूँ, तो इसमें जो चीजें आप लोगों को समझाने लायक थी हमने आपको यहाँ पे समझाया है। ठीक है जय कुमार जी, भगवानलाल जी, हाँ ठीक है सर। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक कंपनी है और उनके ऑनर है मिस्टर सुधीर जी, उन्होंने मुझे बोला था कि सर प्लीज मेरे लिए इस तरह की फाइल बनाए। तो अभी जो हमने यहाँ पे क्या बनाया कि भाई प्रोडक्ट, उनकी जो कंपनी है वो चैन बनाती है, वो बोलती है मेरा एग्जैक्ट कॉस्ट निकालना चाहिए कि हम एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना कॉस्ट हमारा खर्च हो रहा है। बेसिकली वो क्या है कि वो उनकी जो लेबर है वो मंथली बेसिस पे काम करती है या डेली बेसिस पे काम करती है, वो चाहते हैं कि वो उनको जो है ठेके पे दे दे, मतलब कि प्रोडक्ट के बेस पे दे दे कि आप जितना प्रोडक्ट बनाएंगे उतना पैसा आपको देना हो। तो उनको एग्जैक्ट प्रोडक्ट का कॉस्ट पता नहीं चल रहा है कि आखिर कितना रुपये लग रहा है, तो बोले हैं कि मुझे ऐसा फाइल बना के दे दीजिए जिसको हम 2-3 महीने 4 महीने इस पर रिसर्च करेंगे, मतलब डेटा डालेंगे, तो 4 महीने के बाद हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे कि इसका एवरेज कॉस्ट कितना है। ठीक है,
तो इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्ट लिस्ट है, जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं रॉ मटेरियल में और जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उनका लिस्ट होगा, स्टोर उनके स्टोर रूम में क्या क्या है वो हो गया, स्टॉक उनके पास मटेरियल प्री बनाया हुआ मटेरियल कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है, किस लोकेशन में पड़ा हुआ है, कितने इम्प्लॉई हैं, कितने दिन आए हैं, उसके बाद यहाँ पे मशीन कौन कौन से हैं, यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस हैं और यहाँ पे इनका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में से डेट किस डेट की है, पीआईडी कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, नेम क्या है, साइज क्या है, रॉ मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की आईडी, रॉ मटेरियल का नेम और रॉ मटेरियल का जो केजी है वो आ गया, प्रोसेस नेम कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, सीपी हाँ प्रोसेस कोड नेम, रिक्वायरमेंट कितने आदमियों की जरूरत है और एक्चुअल मैन कितने लगे हैं, मतलब रिक्वायर मतलब मान लीजिए इस मशीन पर 2 आदमी लगते थे, कितने आदमी कर रहे हैं, इससे पता चल जाएगा कि आदमी शॉर्टेज था या एक्स्ट्रा था, रेडी कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ, रेडी और बेस्ट में डिफरेंस कितना है, जैसे मान लीजिए कि 10 केजी का रॉ मटेरियल लगा और 8 केजी निकला और 1.5 केजी रॉ मटेरियल हुआ, मतलब कि आधा केजी जो है बेस्ट बेस्ट जो है पता नहीं चला, ऐसे ही बर्बाद हो गया, वेस्ट में भी नहीं आया। स्टार्ट टाइम वो कितने बजे स्टार्ट हुआ, कितने टाइम पे खत्म हुआ, कितना ऑपरेशन टाइम निकाला, उससे लेबर कॉस्ट पता चल जाएगा कि पूरे दिन के लिए अगर 300 रुपये हम लेबर को दे रहे हैं तो उसमें कौन सा होगा लेबर कॉस्ट, फिर यहाँ पे लेबर कॉस्ट हो गया, फिर यहाँ पे मशीन कॉस्ट हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि लेबर और मशीन दोनों एक ही है, तो टोटल कॉस्ट यहाँ निकल जाएगा, ठीक है सर, और इसके बाद इससे उनको पता चल जाएगा, तो ये जब डेटा पूरा हो जाएगा तो फिर इसमें हमें बनाना होगा एमआईएस, मतलब कि अब ये तो ये देखने के लिए कि आज के डेट में कितने मटेरियल लगे, कितने इन आउट हुआ, क्या गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सब कुछ इसमें मेंटेनेंस हो सकता है, तो ये चीज बताने का कि जब भी हम कोई ऑटोमेशन फाइल बनाते हैं तो किस तरह से सोचते हैं, ये चीज बताने का आपको पर्पज था हमारा, तो आप लोग बताइए इसमें क्या और ऐड किया जा सकता है। जय कुमार जी, भगवान जी, जय कुमार जी, आपके आप हेडफोन यूज नहीं करते हैं क्या, क्योंकि आप चैट कर रहे हैं, भगवान लाल जी, मनीष जी बताइए इसमें क्या एडिट किया जा सकता है, सर कृत्रिम सारे आइटम आ गए इसमें। हाँ सब कुछ आ गया ना, तो कंपनी एक मेन फोकस क्या है उनका, कॉस्टिंग करने का, तो कॉस्टिंग के लिए इतना डेटा इसमें हमने कॉस्टिंग का इसमें पूरा हर एक चीज डाल दिया हुआ है, अब इसको बाकी फॉर्मूले लगा के जब इसको मैं रेडी करूंगा कैसा वर्क करेगा, कुछ इसमें सैंपल डेटा डालूंगा फिर पता चलेगा क्या हो रहा है, ये सारी चीज हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोग भी देखें फाइल को ऑटोमेट कैसे करेंगे, क्योंकि ऑफिस में आप इसी तरह का काम करेंगे, तो कोई नई फाइल बनेगी क्या, 2 तरह की होती है, एक बनी बनी फाइल, जैसे मैंने फाइल बना दी तो हर कोई इसको यूज करेगा, डेटा डालेगा, आउटपुट लेगा, लेकिन जब कोई रिपोर्ट तैयार जब शुरुआत में उस रिपोर्ट को तैयार करना होता है ये चैलेंज होता है कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चैलेंज होती है, जब ये बन जाएगा तो इसको यूज करना, हर कोई अपना डेटा डालेगा यूज करेगा।